हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इन द क्लासरूम एंड आउटसाइड द क्लासरूम पढ़ेंगे। ये हमारे लैंग्वेज एंड करिकुलम पोर्शन का यूनिट 2 का पहला सब यूनिट है। तो हम लोग शुरू करते हैं। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज इज द सिस्टम ऑफ साउंड्स एंड राइटिंग। भाषा क्या है? ध्वनि और लेखन का एक सिस्टम है, प्रणाली है, जो कि मनुष्यों के द्वारा यूज किया जाता है टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स, आइडियाज एंड फीलिंग्स, अपने भावनाओं, अपने विचारों और अपने सोच को प्रकट करने के लिए। ठीक है, तो इस यहाँ पर विचारों जो दो बार है, हम अपनी सोच, वही चीज है, सोच विचार को प्रकट करने के लिए। लैंग्वेज एक सिस्टम है जिसमें साउंड्स और राइटिंग का प्रयोग किया जाता है। लैंग्वेज इज सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन विच कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ साउंड्स एंड रिटन सिंबल्स विच आर यूज्ड बाय द पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री और रीजन फॉर टॉकिंग और राइटिंग। यह किसी विशेष क्षेत्र के लोगों के द्वारा बात करने के लिए या लिखने के लिए भाषा जो है एक संचार की, बात करने की प्रणाली है जिसमें ध्वनि और लिखित प्रतीकों का एक समूह का प्रयोग किया जाता है। ये कि हर देश का अलग होता है, तो विशेष देश या विशेष क्षेत्र के लोगों के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। यह कहा जाता है कि ह्यूमन लैंग्वेज जो वर्ल्ड में है, पूरी दुनिया में मानव भाषाओं या मानव कितने तरह की भाषा बोलते हैं, उनकी संख्या लगभग 5000 से 7000 के बीच में है। अप्रोक्सीमेट इसे 6500 माना गया है। ठीक है, इस मतलब 6500 भाषाएं बोली जाती हैं। लैंग्वेज क्या है? एक स्ट्रक्चरल सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन है जिसका प्रयोग मनुष्य करता है। मतलब एक संरचित प्रणाली है, स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है, संरचना की गई है। लैंग्वेज कैन बी बेस्ड ऑन स्पीच जेस्चर। भाषा बोल के प्रकट की जाती है, फिर अपने हाव भाव से भी प्रकट किया जाता है। भाषा आप अपने हाव भाव से, अपने चेहरा की मुद्रा से, अपने हाथ के मूवमेंट से, अपने और संकेतों से और लिखकर अपनी बात को आप दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। तो भाषाएं भाषण के द्वारा, हाव भाव के द्वारा, सिंबल्स के द्वारा, साइंस के द्वारा, मतलब संकेत के द्वारा या लिखकर प्रकट की जाती है। द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज इज इट्स ग्रामर। भाषा की संरचना का आधार जो है वो व्याकरण है। ग्रामर के आधार पर भाषा की संरचना होती है। एंड द फ्री कंपोनेंट्स आर इट्स वोकैबुलरी। और इसमें भाषा में जो मुक्त घटक है जिसका प्रयोग धड़ल्ले से बहुतायत से किया जा सकता है, वह है शब्द भंडार, वोकैबुलरी या शब्दावली। बहुत सारे लैंग्वेज ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा बोले जाते हैं, बहुत लोगों के द्वारा व्यापक रूप से बोले जाते हैं। एंड हैव राइटिंग सिस्टम दैट इनेबल साउंड्स और साइंस टू बी रिकॉर्डेड और लेटर रीएक्टिवेशन, जो ध्वनियों और संकेतन को पुनर्सक्रियण मतलब फिर से रीएक्टिवेट करके रिकॉर्ड करने के लायक बनाती है, रिकॉर्डिंग उसका संभव हो पाता है। ह्यूमन लैंग्वेज एक अनूठा है, अनूठा प्रणाली है, या सभी ज्ञात प्रणालियों में ह्यूमन लैंग्वेज जो है वो अद्वितीय है, यूनिक है। और ये बहुत मतलब पशु संचार जो एनिमल कम्युनिकेशन है, इन दैट इट इज़ नॉट डिपेंडेड ऑन सिंगल मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मतलब क्या है कि जितनी भी संचार प्रणाली है, पशु भी आपस में बात करते हैं, पक्षी भी चहचहाते हैं, बोलते हैं, लेकिन मनुष्य की जो ये संचार प्रणाली है, यह अपने तरीके की अद्वितीय है, क्योंकि यह केवल जो साइट और साउंड पर ही निर्भर नहीं करती है, बल्कि यह हाव भाव से भी प्रकट की जाती है। यह बहुत ही परिवर्तनशील है और हर संस्कृति में और समय में इसमें बदलाव आता रहता है। और इसमें बहुत सारे एक्सप्रेशन के रेंज हैं, बहुत सारे विस्तृत रेंज में, वाइडर रेंज में हम दूसरे सिस्टम की तुलना में भाषा में प्रकट कर सकते हैं, अपनी भावों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो ये भावों को अभिव्यक्त करने की एक अनूठी प्रणाली है जिसके रेंज बहुत बड़े हैं, वाइड रेंज है, जिसमें बोलकर,
लिखकर हाव भाव से अपनी मुद्राओं से हम उसको प्रकट कर सकते हैं, संकेतों से बता सकते हैं, सिंबल से बता सकते हैं। कोई भी लैंग्वेज एक दिन में नहीं बनता है और ना ही तो लैंग्वेज इनबॉर्न एक्टिविटी है, इट इज एवर चेंजिंग। लैंग्वेज को हम अक्वायर करते हैं, सीखते हैं और यह हमेशा बदलता रहता है। यह आत्म अभिव्यक्ति के लिए है, संचार के लिए, एक दूसरे से बात करने के लिए है और यह संस्कृति से संबंधित होता है। हर संस्कृति के बातचीत करने का तरीका और लहजा अलग होता है। तो मनुष्य जो है वो बचपन में सामाजिक संपर्क से, परिवार के संपर्क से, सबसे पहला मनुष्य का परिवार है जो मनुष्य का संपर्क जिससे होता है, व्यक्ति का बच्चे का जन्म के साथ अपनी माता से, अपने घर वालों से संपर्क होता है। तो वो लैंग्वेज जो है वो संपर्क से बच्चा सीख जाता है। घर में जो अर्ली चाइल्डहुड में जो बच्चा सीखता है, वाइगोत्स्की का भी ये कहना है कि बच्चा अपने घर से वो सीख लेता है, उसे कहीं भी भाषा सीखने के लिए नहीं जाना पड़ता है, ना ही उसे कोई ग्रामर सीखने की आवश्यकता होती है। वो लोगों की बातों को सुनकर, अपने घर के लोगों के लोग बात सुनकर उनके हाव भाव से वो सीख लेता है। और बच्चे आमतौर से 3 साल की उम्र के होते होते धारा प्रवाह बोलने लगते हैं। लैंग्वेज और कल्चर, भाषा और संस्कृति एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, इसलिए इन एडिशन टू इट्स स्ट्रिक्टली कम्युनिकेटिव इशू, भाषा का सामाजिक प्रयोग भी है। क्योंकि ये क्या है कि कल्चर पर डिपेंडेंट है, इसलिए कल्चर और लैंग्वेज एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। इसलिए यह केवल संचार का ही साधन नहीं है बल्कि एक सामाजिक साधन भी है। और ये किस हर समूह का, एक संस्कृति के लोगों की पहचान है, उनकी आइडेंटिटी है और उनका सामाजिक स्तरीकरण है, उनका सोशल स्ट्रैटिफिकेशन भी लैंग्वेज से होता है। आप जैसी लैंग्वेज बोलते हैं उस हिसाब से आपका स्ट्रैटिफिकेशन होता है, समाज में आपका स्तरीकरण होता है, आपके स्ट्राटा आपका निर्धारित होता है, एज वेल एज यूज फॉर सोशल ग्रूमिंग एंड एंटरटेनमेंट, और सामाजिक सौंदर्य और मनोरंजन आपका सोशल ग्रूमिंग होता है। आपके सोसाइटी में उठते बैठते हैं, एटिकेट्स और मैनर्स के हिसाब से बात करने के लिए भी आपको ग्रूम किया जाता है, और साथ ही भाषा का प्रयोग मनोरंजन के लिए भी किया जाता है। फंक्शन ऑफ लैंग्वेज जो है वो किस किस चीज़ के लिए होता है, एक तो बातचीत संचार के लिए, दूसरा कि एक्सप्रेशन ऑफ आइडेंटिटी, आपकी आइडेंटिटी आपकी भाषा से प्रकट होती, कहता है लोग किसी को पहचानना है कि वो किस जगह का है, किस एरिया का है या किस कल्चर का है, तो बिना बताए उसके पीठ पर आप जोर से मारें तो उसके मुंह से उसकी ओरिजिनल भाषा निकलती है। जब अनजाने में किसी के पीठ पर कोई मारता है या उसे अचानक से कोई झटका लगता है तो वो अपने मदर टंग, अपनी ओरिजिनल भाषा में ही वो रिएक्ट करता है, तो वो उसकी आइडेंटिटी को बतलाता है। फिर खेल में, भाषा के कार्य में, खेल में इमेजिनेटिव एक्सप्रेशन, कल्पनाशील अभिव्यक्ति भी भाषा का कार्य है। और इसके अलावा आपका इमोशंस, जो खुशी और आपका क्रोध सब जो रिलीज होता है, उसका माध्यम भी भाषा ही है। वो भाषा के माध्यम से ही आप अपनी खुशी को भी व्यक्त करते हैं और अपने क्रोध को, अपने हर्षातिरेक को भी व्यक्त करते हैं। कहा जाता है कि तमिल लैंग्वेज जो है वो दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है और उसे सबसे पुरानी भाषा की मान्यता भी प्राप्त है। यह द्रविड़ परिवार की, द्रविड़ियन फैमिली की सबसे पुरानी भाषा है। यह इसको कहा जाता है कि यह 5,000 साल पुरानी भाषा है। इट वॉज प्रेजेंट बिफोर 5,000 ईयर्स, सो 5,000 ईयर्स अगो इट वॉज प्रेजेंट। तो वर्ल्ड का यह सबसे पुरानी भाषा के नाम से जानी जाती है तमिल। वर्ल्ड का लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश वर्ल्ड लैंग्वेज जो है वो लैंग्वेज जो है इंग्लिश के लिंगुआ, लैटिन भाषा लिंगुआ से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है टंग, मतलब भाषा जो है वो जीभ के सहारे से बोली जाती है। इसीलिए से ये लिंगुआ शब्द से लैंग्वेज बना है। लैंग्वेज का सबसे प्रारंभिक लैंग्वेज को माना जाता है कि ये समाजीकरण का सबसे प्रारंभिक साधन है। मनुष्य इसके द्वारा ही, भाषा के द्वारा ही वो लोगों के साथ जुड़ता है, कि वह इंटरैक्ट करता है, अंतःक्रिया करता है। सामाजिक, पॉलिटिकल, आर्थिक पावर स्ट्रक्चर जो है, शक्ति संरचना जो है
वो सबके साथ भाषा से ही अंतःक्रिया करता है। यह ज्ञान का निर्माण और ज्ञान के प्रसार का प्राइमरी मीडियम है, इट इज द प्रारंभिक साधन है, प्राथमिक साधन, इट इज अ प्राइमरी मीडियम फॉर कंस्ट्रक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज एंड आर्टिकुलेशन ऑफ आइडियाज। ज्ञान के प्रसार के लिए, ज्ञान के विस्तार के लिए, ज्ञान के संचरण के लिए, एक देश से दूसरे देश में, एक पीढ़ी से दूसरे देश, दूसरी पीढ़ी तक जो ज्ञान का संचरण होता है, उसका आधार भी भाषा है और विचारों की अभिव्यक्ति और विचारों के निर्माण के लिए भी आधार भी भाषा है। तो संक्षेप में कहा जाए कि लैंग्वेज जो है वो मनुष्य और उसकी पहचान का निर्माण करता है। भाषा, लैंग्वेज जो है वो मनुष्य को कंस्टिट्यूट करता है, ह्यूमन को कंस्टिट्यूट करता है और उसकी आइडेंटिटीज को भी कंस्टिट्यूट करता है या उसका भी निर्माण करता है। लैंग्वेज का फंक्शन, भाषा का कार्य क्या है? तो भाषा का कार्य है, बहुत सारा कार्य है, वैरायटी ऑफ फंक्शंस है, बहुत सारे। जिस समय हम बात करते हैं कि भाषा का क्या कार्य है, तो हम उस समय ये बात कर रहे होते हैं कि भाषा का उपयोग कहाँ है। तो सबसे बेसिक उपयोग क्या है भाषा का? सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बुनियादी रूप में भाषा का कार्य है कि इससे हम एक दूसरे के द्वारा एक दूसरे से बात करते हैं, अपने विचार दूसरे तक पहुँचाते हैं। तो ये कम्युनिकेशन या स्पीच फंक्शन है, ये इसका बेसिक फंक्शन है। लोग भाषा का प्रयोग करते हैं अपनी बात को कहने के लिए और दूसरे की बात को सुनने के लिए या आपस में बातचीत करने के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है। रोमन जैकबसन एक लिंग्विस्ट थे, भाषाविद थे, उन्होंने छह कम्युनिकेशन फंक्शंस को बताया है। तो जैकबसन में कहीं कहीं पर सी भी है, तो ये क्योंकि नाम है तो इसमें सी या के दोनों भी हो सकता है, तो अलग अलग जगह पर दोनों तरह का स्पेलिंग लिखा हुआ है। तो उन्होंने छह तरह के भाषा के फंक्शंस को बताया है। पहला है फैटिक फंक्शन। फैटिक फंक्शन का मतलब होता है कि एकजुटता या सहानुभूति, एक्सप्रेसिंग सॉलिडरिटी एंड एम्पैथी विथ अदर्स, दूसरे के साथ। एम्पैथी क्या होता है? एम्पैथी वो होता है, सिंपैथी हुआ, सहानुभूति, एम्पैथी हुआ कि जब आप किसी को, किसी के प्रति आपका व्यवहार वैसा होता है जैसा वो आप अपने लिए चाहते हैं, मतलब किसी के व्यवहार से आप अगर हर्ट होते हैं तो आप खुद को भी उसकी जगह पर रख कर सोचते हैं, तो अगर आप उसके दुख को अपने दुख की तरह समझते हैं, दैट इज कॉल्ड एम्पैथी। तो दूसरे के साथ सहानुभूति व्यक्त करना या एम्पैथी रखना और एकजुटता बनाए रखने के लिए फैटिक फंक्शन है, भाषा का फैटिक कार्य है। इसमें क्या करता है कि यह सामाजिकता के लिए, फैटिक फंक्शन जो है सोशियबिलिटी या सामाजिकता के लिए यूज होता है। ये एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है जो कि एक दूसरे से संबंध, कॉन्टैक्ट स्थापित करता है और आपसी बातचीत को के लिए ये तैयार करता है, चैनल को ओपन करता है और ये सोशलिज्म के लिए ये कार्य करता है। तो ये फंक्शन क्या है? सामाजिकरण के लिए यूज होता है, इसलिए कम से कभी कभी जो इसका वर्ड होता है, ये वर्नाकुलर वर्ड्स जो इसमें यूज किया जाता है, वो स्पीच के लिए, खास करके बोलने के लिए या किसी तरह के सर्टेन टाइप ऑफ राइटिंग, जैसे आप लिखते हैं किसी को लेटर्स लिखते हैं, तो ये लेटर्स में दिखता है, जहाँ डियर सर, डियर मैडम, योर्स फेथफुली, योर्स ओबीडियंटली, योर्स, इस तरह का जहाँ चीज़ें आप लिखते हैं, इस तरह की बातें जहाँ लिखते हैं, वहाँ पर लैंग्वेज का फैटिक फंक्शन फुलफिल होता है। तो यहाँ पर भाषा का फैटिक फंक्शन होता है, जहाँ पर आप समाजीकरण के लिए इसका प्रयोग करते हैं और पत्रों के शुरुआत में जहाँ आप प्रिय महोदय या प्रिय महोदया जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, वहाँ पर वो लैंग्वेज का फैटिक फंक्शन दिखता है। दूसरा है पोएटिक फंक्शन, ये काव्य कार्य होता है। पोएटिक फंक्शन जैकबसन ने बताया कि यह क्या है कि यह संदेश के प्रति दृष्टिकोण, मतलब पोएटिक फंक्शन में क्या है कि संदेश जो दे रहे हैं आप टूवर्ड्स द मैसेज इट्सेल्फ, आपका क्या एटीट्यूड है, मतलब है कि ये ऐसा एस्थेटिक सौंदर्य
कार्य के रूप में, ये भाषा का सौंदर्य कार्य के रूप में जाना जाता है। ये लैंग्वेज से इस तरह से डील करता है जहाँ पर इसका फोकस होता है कि वो लैंग्वेज की ब्यूटी को उभारे, मतलब कि शब्दों को सुंदर तरीके से प्रस्तुत करना। तो यहाँ पर रिचनेस ऑफ साउंड एंड टेक्सचर एंड बैलेंस दैट मेक्स इट वर्क ऑडिटरी आर्ट एंड पोएटिक अट्रेंस। यहाँ पर क्या है कि ध्वनि और शब्द का जो टेक्सचर होता है या बनावट होता है वो इस तरह का होता है जो कि आपको सुनने में अच्छा लगे, आपको कविता पाठ सुनकर आप में सौंदर्य बोध जागता है और आप उसको सुनना पसंद करते हैं, आपको आनंद की अनुभूति होती है, माधुर्य मिलता है। तो वहाँ पर ये जो कार्य हुआ भाषा का, जहाँ पर वो आपको आपकी काव्य उच्चारण में आरोह अवरोह ये सारी चीज़ों को लाता है, वहाँ पर ये लैंग्वेज का पोएटिक फंक्शन होता है। वहाँ पर लैंग्वेज अपना पोएटिक फंक्शन के रूप में कार्य करता है जहाँ पर इसका लैंग्वेज की ब्यूटी दिखती है। फिर तीसरा है मेटा लिंगुअल फंक्शन, अधिभाषागत कार्य। जब ये पता चलता है कि एक ही शब्द को अलग अलग शब्दों में जब प्रयोग किया जाता है तो उसे मेटा लैंग्वेज कहते हैं। मेटा लैंग्वेज एक लैंग्वेज है जो कि लैंग्वेज को ही लैंग्वेज में डिस्क्राइब करता है, मतलब व्हेन यू डिस्क्राइब ए वर्ड इन विथ अनदर वर्ड देन इट इज कॉल्ड मेटा लैंग्वेज और मेटा लिंगुअल फंक्शन ऑफ द लैंग्वेज। जैसे सैड कैन बी सेड सोरोफुल, मेटा लिंगुअल जो होता है उसमें क्या होता है कि नाउन वर्ब एडजेक्टिव ये सारी चीज़ें जब हम यूज करते हैं तो ये मेटा, जहाँ पर एड्रेस करने वाला जो है और जो एड्रेसी है जिसको एड्रेस किया जा रहा है, मतलब बोलने वाला जब भाषा का प्रयोग करता है जिसके लिए वो बोल रहा है तो वो क्या करता है कि लैंग्वेज को लैंग्वेज के लिए प्रयोग करता है। तो इस तरह को हम ये इसे हम कहते हैं मेटालिंगुअल फंक्शन। इसमें क्या होता है वाचाघात जो है ना, वाचाघात जो होता है या फैसिया जिसको होता है, जो बोलने में जिनको बाधा होती है वो उनको क्या होता है कि उनको मेटालिंगुअल एक्शन की जो कैपेसिटी होती है उसका लॉस हो जाता है, वो बोल नहीं पाते हैं और उसमें उनको बोलने की कैपेसिटी में क्या होता है कि ये जो मेटा लैंग्वेज है उसका प्रयोग वो नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें हम एफेसिया से ग्रस्त मानते हैं, उन्हें हम एफेसिया से ग्रस्त कहते हैं एफेसिया। तो ये जो है ये इसमें वो शब्दों के बदले में दूसरा शब्द प्रयोग नहीं कर पाता है, उसे हम वाचाघात या एफेसिया, इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड और प्रोड्यूस स्पीच। जब वो शब्द को नहीं समझ पाता या नहीं बोल पाता ड्यू टू ब्रेन डैमेज, कोई व्यक्ति अगर भाषा को नहीं समझ पाता या नहीं बोल पाता है तो वैसे व्यक्ति को हम कहते हैं कि उसे एफेसिया है, मतलब वो एफेसिया से ग्रस्त है। मतलब कहने का हुआ कि भाषा संबंधी विकार है उसमें, तो ये एफेसिया जो है ना उसमें वो ना रीड कर पाता है, ना राइट स्पीक अंडरस्टैंड कुछ भी नहीं, पढ़ नहीं सकता, लिख नहीं सकता, बोल नहीं सकता है या दूसरे क्या कह रहे हैं उसको वो समझ भी नहीं पाता है। तो ये जो एफ है इसमें वो मेटालिंगुअल फंक्शन जो है उसमें, मतलब एक शब्द के बदले दूसरे शब्द, नाउन वर्ब एडजेक्टिव ये सारे जो फंक्शन होते हैं लैंग्वेज का उसका प्रयोग करने में उसे बाधा होती है। तो इसमें क्या है कि मेटालिंगुअल फंक्शन कब यूज होता है, जब हम मान लीजिए एड्रेस कर रहे हैं और आपको एड्रेस कर रहे हैं तो हमें यहाँ देना है कि हम जब लैंग्वेज बोल रहे हैं तो उसमें हम अलग अलग शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं या नहीं, आपको समझाने के लिए एक शब्द को अगर वो कठिन शब्द है तो उसके बदले में इजी शब्द बता रहे हैं कि नहीं, तो वहाँ पर ये लैंग्वेज का मेटा लिंगुअल फंक्शंस आता है। अगला है इमोटिव फंक्शन। इमोटिव फंक्शन में क्या होता है कि जब हम इमोशन से जुड़ा हुआ है तो इसमें क्या है कि इस जब हम
अपनी भावना को व्यक्त करना चाहते हैं तब इमोटिव फंक्शन ऑफ लैंग्वेज आता है। यहाँ पर जो होता है एड्रेसर, जो एड्रेस कर रहा है वो अपनी भावना को व्यक्त करना चाहता है, तो किसी भी चीज़ के प्रति जब वो वर्ड्स या फ्रेजेस का यूज करता है अपनी खुशी को व्यक्त करने के लिए या आश्चर्य को या अपना गुस्सा या एगोनी या अनॉयंस किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए जिन वर्ड्स का प्रयोग करता है तो वहाँ पर लैंग्वेज का इमोटिव फंक्शन हो जाता है। जैसे आप बोलते वाह, आहा, ओ, यक, इस तरह का शब्द जब हम यूज करते हैं तो वो वहाँ पर लैंग्वेज का इमोटिव फंक्शन आ जाता है। अगला है कॉग्निटिव फंक्शन। कॉग्निटिव फंक्शन में क्या होता है ये हम यहाँ पर हम किसी तरह का आदेश देते हैं। ग्रामेटिकल एक्सप्रेशन होता है हमारा जब हम किसी व्यक्ति को कुछ करने के लिए कहते हैं, आदेश देते हैं, जब हम ऑर्डर देते हैं या अपना अपनी इच्छा किसी के ऊपर जाहिर करते हैं तो उसे हम कॉग्निटिव फंक्शन ऑफ लैंग्वेज कहते हैं। तो इसका मतलब होता है कि कोई ऐसा वर्ड या कोई ऐसा स्ट्रक्चर जो कि ऐसा एक्शन दिखाता है जो कि हम किसी को करने के लिए कह रहे हैं, तो मतलब किसी चीज को करने या रोकने के लिए। तो कॉग्निटिव जो फंक्शन है वो भाषा का एग्जांपल हम इस तरह से दे सकते हैं, इसमें ऑर्डर भी आता है या फिर हम लोगों से कुछ काम करवाने के लिए इस भाषा का प्रयोग करते हैं, इस लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, डू इट, टेक फूड, डोंट गो देयर, इस तरह की चीज़ें जब हम कहते हैं तो ये भाषा का कॉग्निटिव फंक्शन हो जाता है। जब हम किसी और से कुछ काम करवाने के लिए या किसी को हेल्प करने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं, जब हम लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं या लोगों से कुछ करवाना चाहते हैं। फिर है रेफरेंशियल फंक्शन। रेफरेंशियल फंक्शन जो लैंग्वेज का होता है इसमें क्या होता है कि हम किसी सिचुएशन, किसी ऑब्जेक्ट या किसी मेंटल स्टेट को जब हम बताते हैं तो या किसी सिचुएशन को बता रहे हैं या किसी चीज़ को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं तो वहाँ रेफरेंशियल फंक्शन हो जाता है। मतलब क्या है कि इसमें निश्चित विवरण किसी वस्तु की या मानसिक या फिर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, वर्णनात्मक बयान दे रहे हैं। जैसे कि सपोज कि अभी बसंत ऋतु है तो पूरे जंगल में पलाश के फूल भर गए, टेसु के फूल आ गए, तो हम ये कह सकते हैं फायर ऑफ फॉरेस्ट जिसको कहते हैं या फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट कहते हैं, पूरा जंगल लाल लाल फूलों से लग जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि बसंत ऋतु में पूरा जंगल पलाश से भर गया, या फिर ऑटम लीव या शरद के पत्ते अब गिर गए हैं, इस तरह की बात जब हम कहते हैं तो हम रेफरेंस देते हैं, तो ये इसे हम डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट या कहते हैं, क्योंकि इसमें एक सिचुएशन को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, एक टाइम को बता रहे हैं, रेफरेंस दे रहे हैं कि बसंत ऋतु में पलाश के या टेसु के फूल आ जाते हैं। अब दूसरे लिंग्विस्ट हैं हैलिडे, भाषाविद हैलिडे के हिसाब से लैंग्वेज के 7 फंक्शंस हैं, 7 फंक्शंस उन्होंने बताया, और लैंग्वेज बच्चे ये फंक्शंस हैं जो बच्चों को भाषा सीखने के लिए प्रेरित करता है। तो इसमें पहला फंक्शन है इंस्ट्रूमेंटल, जब बच्चा क्या करता है ऐसे लैंग्वेज को यूज करता है जिससे कि वो अपनी इच्छाओं को व्यक्त करता है, तो वहाँ पर भाषा उनके लिए इंस्ट्रूमेंटल हो जाता है। मतलब यहाँ वाद्य यंत्र नहीं होगा, यहाँ पर होगा कि अपनी इच्छा पूर्ति को इच्छा पूर्ण करने के लिए जब लैंग्वेज का प्रयोग होता है तो लैंग्वेज यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटल हो जाता है। तो जैसे आई वॉन्ट टू यूज, आई वॉन्ट टू गो आउट, आई वॉन्ट टू प्ले विथ फुटबॉल, इस तरह की जब लैंग्वेज का प्रयोग होता है जहाँ पर हम वो बच्चा या हम अपनी नीड को एक्सप्रेस करते हैं देन लैंग्वेज इज देयर इंस्ट्रूमेंटल। दूसरा है रेगुलेटरी। रेगुलेटरी में यहाँ है कि यहाँ पर हम रेगुलेट कर रहे हैं किसी दूसरे को, हम बताने के लिए या किसी को उसको कहने के लिए कि क्या करना है, उसको सजेस्ट करने के लिए या रेगुलेशंस या कुछ निर्देश देने के लिए जहाँ हम भाषा का प्रयोग करते हैं तो उसे हम रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ लैंग्वेज कहते हैं। जैसे हम कहते हैं चले जाओ,
या डोंट गो, इस तरह का जब हम यूज करते हैं तो उसे हम रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ लैंग्वेज कहते हैं। तीसरा है इंट्रैक्शनल, जब हम अंतःक्रिया करते हैं किसी से, भाषा का प्रयोग करके किसी से बात करते हैं, किसी से संपर्क बनाते हैं, दूसरे से कॉन्टैक्ट बनाते हैं या रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं या अपना रिलेशनशिप उससे कैसा है उसको एक्सप्रेस करते हैं, जैसे लव यू मम्मी, अपनी माँ से अपना प्रेम का संबंध का एक्सप्रेशन करते हैं, तो उसे हम इंट्रैक्शनल करते हैं या भाषा का प्रयोग करके दूसरे से संपर्क स्थापित कर रहे हैं संबंध बनाने के लिए। पर्सनल लैंग्वेज का प्रयोग जब हम पर्सनल यूज के लिए करते हैं, पर्सनल यूज का मतलब क्या हुआ कि पर्सनल कॉन्टैक्ट के लिए हम जब लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं अपनी फीलिंग्स या ओपिनियंस को बताने के लिए, अपने बारे में बताने के लिए, मी अ गुड गर्ल, जैसे मैं एक अच्छी लड़की, मैं आई एम अ गुड बॉय, तो इस तरह का फीलिंग जब अपने बारे में हम इंडिविजुअल ओपिनियन और एक्सप्रेशंस देते हैं और लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। फिर अगला तीन फंक्शन जो है लैंग्वेज का वो है बच्चों को अपने एनवायरनमेंट से तालमेल बिठाने के लिए जो फंक्शन है लैंग्वेज का, वो तीन फंक्शन है इसमें है। ह्यूरिस्टिक, ह्यूरिस्टिक का मतलब होता है कि जब हम अनुमान, किसी चीज़ का अनुमान करने के लिए, नॉलेज अबाउट द एनवायरनमेंट, अपने चारों ओर का एनवायरनमेंट को जानने के लिए, हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है इसको जानने के लिए, इसका खोज, इसकी समझ के लिए हम जब लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं तो ह्यूरिस्टिक इसे हम ह्यूरिस्टिक कहते हैं। ह्यूरिस्टिक का मतलब होता है कि स्टूडेंट को हम एनकरेज करते हैं कि कुछ जाकर देखो, कुछ करके सीखो या चीजों के बारे में बताते हैं, जैसे कि What the tractor doing? मतलब बच्चा वहाँ पर देख रहा है, ट्रैक्टर खड़ा है, वो जानना चाहता है। तो ये क्या है कि स्वतः वो जानना चाहता है या पूछता है कि वहाँ ट्रैक्टर क्या कर रहा है। तो ये इस तरह का जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये एक मेंटल शॉर्टकट है जो कि लोगों को अलाउ करता है कि वो उसको किसी चीज़ के प्रति जिज्ञासा है या जानने की इच्छा है या कोई समस्या है या कोई जजमेंट उसको करना है तो वो तुरंत उसको सॉल्व कर सके, उसके बारे में जान सके या उसके बारे में पता कर सके। फिर है इमेजिनेटिव, इमेजिनेटिव में है यहाँ लैंग्वेज यूज किया जाता है कहानी या जोक सुनाकर और एक इमेजिनरी एनवायरनमेंट को, मतलब जोक क्यों सुनाया जा रहा है कि यहाँ का वो जोक सुनाने से वातावरण जो है वो प्लेजेंट हो जाएगा, तो ये सोचकर जो कोई सुनाता है। तो लैंग्वेज का यहाँ पर ये फंक्शन है कि एक काल्पनिक वातावरण प्रयोग करने के लिए हम जोक सुनाते हैं ताकि यहाँ का माहौल अच्छा हो जाए, जोक से मूड सबका लाइट हो जाए। फिर है रिप्रेजेंटेशनल, यहाँ पर लैंग्वेज का यूज होता है जहाँ पर हम फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन देने के लिए यूज करते हैं लैंग्वेज का। ये हो गया हॉलीडे के अनुसार। अब है फिंच के अनुसार, फिंच ने 1997 में लैंग्वेज के कुछ फंक्शंस बताए थे जिसमें से कुछ फंक्शंस मिलता जुलता भी है जैकबसन से। तो फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या है, जब हम इस तरह का फंक्शन है लैंग्वेज का कि हम भाषा का प्रयोग करके अपने फिजिकल या नर्वस एनर्जी को या फिजिक को मेंटली या फिजिकली हम प्लेजर फील करते हैं, तो ये फिजियोलॉजिकल पर्पस हुआ। जैसे हम किसी को कर्स करते हैं तो हमें अच्छा फील होता है, हालांकि कर्स करने में अच्छा फील नहीं होता, बस एक सारी मतलब इससे होता है कि हम ये लैंग्वेज का यूज़ करके अपने माइंड को या फिजिकल या नर्वस एनर्जी को हम थोड़ा सा प्लेजर दे रहे हैं या फिर हम अपने को एक तरह से संतुष्टि दे रहे हैं किसी को कर्स करके या किसी को प्रेज करने से, जो हमारा मामूली सा शारीरिक क्रिया है लेकिन भाषा के उपयोग से हमारे शरीर के अंदर जो भाव जाता है उसके लिए जो लैंग्वेज का प्रयोग होता है। किसी को कर्स करने से हमें खुशी होती है या प्रेज करने से उसको खुशी होगी या हमें भी खुशी होगी उसको खुश करने से,
इसके लिए जो किया जाता है उसे हम लैंग्वेज का फिजियोलॉजिकल फंक्शन कहते हैं। अगला है फैटिक फंक्शन, जो कि हम अभी पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये सामाजिकता के लिए है जब हम किसी को संबोधन करते हैं। यहाँ फैटिक का मतलब होता है अटरेंस, मतलब इस तरह का उच्चारण करना जिस तरह से लोगों को डियर सर या लोगों को आदर मिलता है, जिससे या लोगों को रेस्पेक्ट मिलता है और समाज में हमारा एक अच्छा इंटरेक्शन होता है या अच्छा रैपो बनता है। इसलिए लैंग्वेज का यहाँ पर फंक्शन जो होता है वो फैटिक फंक्शन होता है। फिर रिकॉर्डिंग फंक्शन, रिकॉर्डिंग फंक्शन में क्या होता है कि ये फंक्शन इस तरह का है कि हम लैंग्वेज के द्वारा ही कोई चीज़ों को हम याद, जो चीज़ को हम याद करना चाहते हैं तो उसको याद करने के लिए हम लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। लैंग्वेज में मतलब जो भी हम सोचते हैं या याद करते हैं, फैक्ट्स और फिगर्स, तो सब लैंग्वेज में होता है फैक्ट्स को याद करने के लिए। कि ये रिकॉर्डिंग फंक्शन हुआ। रिकॉर्डिंग फंक्शन में जैसे हम बाजार जाते हैं तो कोई सामान खरीदना है तो हम सोच के जाते हैं कि क्या क्या खरीदना है, तो ये सारा जो लिस्ट दिमाग में हम बनाते हैं सब लैंग्वेज में होता है, खरीदारी की सूची होती है ये। तो इस तरह का जो रिकॉर्डिंग फंक्शन है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, हम जाके खरीद लेते हैं फिर वो मेमोरी हमारी ख़त्म हो जाती है। तो लेकिन वहाँ पर भी लैंग्वेज का प्रयोग होता है इस तरह के रिकॉर्डिंग, शॉर्ट टर्म के रिकॉर्डिंग या मेमोरी रिकॉर्डिंग के लिए। फिर है आइडेंटिफाइंग फंक्शन। लैंग्वेज में हम क्या करते हैं कि रिकॉर्ड तो करते हैं, कुछ चीज़ों की सूची बना लिए, लिस्ट बना लिए, उसको याद करके गए और चीज़ खरीद के ले आए। उसके बाद दूसरा क्या है कि इसको हम क्या करते हैं कि आसपास की दुनिया को समझने के लिए, चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचान करने के लिए भी लैंग्वेज का प्रयोग होता है। किसी चीज़ को हम देखते हैं उसको फिर याद करते हैं, या आसपास की दुनिया को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। फिर रीजनिंग फंक्शन। रीजनिंग फंक्शन में क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ हमारे दिमाग में चलती रहती है। हम जब जगे रहते हैं तो हमारे दिमाग में तरह तरह की बातें चलती रहती हैं, सारी बातें लैंग्वेज में होती हैं। जो लोग सिज़ोफ्रेनिक होते हैं उनके दिमाग में एक ही तरह की बात चलती रहती है, वो एक ही तरह की बात सोचते रहते हैं, या फिर जो आवाज़ सुनता है या अपने लिए एक ही तरह की बात करते हैं। तो जल्दी जैसे इसमें है एक उदाहरण दिया है कि बस या ट्रेन के लिए दौड़ते हो तो उनको बस एक ही चीज़ लगातार बात है कि आपको ट्रेन में छूट जाए, हमको जल्दी से चढ़ना है चढ़ना है, इस तरह की बातें वो उनके मोनोलॉग चलता रहता है, मतलब वो खुद से बातें करते रहते हैं। तो ये होता है रीजनिंग फंक्शन कि जो हमारे मन में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है तो वो भाषा में ही चलता है, वो लैंग्वेज का फंक्शन है। फिर है कम्युनिकेटिंग फंक्शन। ये जो है जब हम एक दूसरे से बात करते हैं, ये लैंग्वेज का मेन पर्पस है, जिससे कि हम किसी भी, ये दो तरफा प्रक्रिया है कम्युनिकेशन में, और हम एक तरफ एक दूसरे से जब बात करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो हम ये जानते हैं, हम ये चाहते हैं कि लोग हमारी बात को समझें या वो जो कह रहे हैं हम भी समझें। ये इसके लिए लैंग्वेज का जो प्रयोग होता है उसे हम कम्युनिकेटिव फंक्शन कहते हैं, संचार का कार्य। फिर है प्लेजर फंक्शन। प्लेजर फंक्शन में है कि बहुत सारी चीज़ें हमें सुनकर अच्छा लगता है, जैसे काव्य कविता सुनना, गाना सुनना, तो ये सारी चीज़ों को सुनकर जो हमें प्लेजर मिलता है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये लैंग्वेज के जरिए ही हमें समझ में भी आती है और सुनकर अच्छा लगता है। तो ये प्लेजर फंक्शन जो है ये लैंग्वेज लर्निंग के लिए अच्छा है। गाना हमको कैसे याद हो जाता है, बिना मेहनत के गाना सुनते हमें याद हो जाता है, क्योंकि गाने से हमें प्लेजर मिलता है, जो सुनते हैं हम उसे गुनगुनाते हैं और वो हमें याद आ जाता है। तो ये है कि हमारा जो किसी भी बच्चे की बात सुनकर भी हमें उसकी स्वीटनेस हमें अपील करता है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो लैंग्वेज, बच्चा कुछ बोलता है तो उस बच्चे की लैंग्वेज पूरी नहीं होने पर भी हमें अच्छा फील होता है। तो ये लैंग्वेज जो है वो जितना ज्ञानात्मक पर्पस के लिए हमें रेस्पॉन्सिव है या हम रेस्पॉन्ड करते हैं, उतना ही मेलोडी के लिए भी करते हैं। तो इसीलिए कविता गाना कुछ अच्छे होते जो हमें याद भी हो जाते हैं। तो ये प्लेजर फंक्शन है लैंग्वेज का। लैंग्वेज हमारे क्लासरूम में, अब लैंग्वेज का रोल क्या है, क्लासरूम में लैंग्वेज का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। लैंग्वेज क्या होता है कि स्टूडेंट्स को जब वो क्लासरूम में आता है तो बहुत सारे लोगों के साथ उसका इंटरेक्शन होता है, बहुत लोगों के साथ मिलता है। तो क्लासरूम के अंदर भी और क्लासरूम के बाहर भी उसका बहुत लोगों से मिलना जुलना होता है और उसका आदान प्रदान होता है बातचीत का।
तो जैसे बच्चे जो होते स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बोलते हैं लिखते हैं और अपने को रिप्रेजेंट भी करते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं और लोगों के आइडियाज़ को सुनते हैं और एक्सपीरियंसेस को भी सुनकर उसे अधिग्रहण भी करते हैं। तो लैंग्वेज जो है वो स्कूल में, स्कूल करिकुलम में बहुत ही, स्कूल के पाठ्यक्रम में लैंग्वेज का बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस है। लैंग्वेज लर्नर्स को हेल्प करता है किसमें? पहला तो लैंग्वेज हेल्प करता है कि बच्चे स्कूल सब्जेक्ट को समझ पाते हैं, क्योंकि लैंग्वेज के थ्रू ही स्कूल के सारे सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है। फिर दूसरे से बात करने में लैंग्वेज हेल्प करता है, स्कूल में भी और स्कूल के बाहर भी, उनके दैनिक दिनचर्या में, जीवन की दैनिक स्थिति में भी उन्हें लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। और जब वो दूसरे एरिया में, अन्य क्षेत्र में दूसरे कॉन्सेप्ट को जानना चाहते हैं, वहाँ भी लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। इस तरह से लैंग्वेज लर्नर्स को कहाँ कहाँ हेल्प करता है? स्कूल सब्जेक्ट को पढ़ने में, दूसरे से बात करने में, स्कूल या स्कूल के बाहर डेली लाइफ में के सिचुएशंस में, और दूसरे भाषा और कई कॉन्सेप्ट्स को समझने और सीखने में लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। तो जो उचित भाषा को सीखना है, प्रॉपर लैंग्वेज को सीखने का मतलब होता है कि चार लैंग्वेज स्किल को जानना। पहला स्किल है, ये है स्किल ऑफ लिसनिंग, दूसरा है स्किल ऑफ स्पीकिंग, तीसरा है स्किल ऑफ रीडिंग और चौथा है स्किल ऑफ राइटिंग, तीसरा चौथा। तो इसमें क्या है कि चार बेसिक स्किल्स है। बेसिक स्किल्स क्या क्या हुआ? चार बेसिक स्किल्स हैं लैंग्वेज लर्निंग के। पहला है लिसनिंग, सबसे इम्पॉर्टेंट। दूसरा है स्पीकिंग, तीसरा है रीडिंग और चौथा है राइटिंग। ठीक है, तो ये चार जो बेसिक स्किल है इनको डेवलप करने के लिए जो भी लर्नर हैं उनको, इनके भी तो टीचर का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है इन चारों स्किल को डेवलप करने में। तो जब पढ़ाई जाती है, लैंग्वेज पढ़ाते समय हमारा एम क्या होता है कि हम अपने स्टूडेंट्स को में क्या डेवलप करें? पहला, स्टूडेंट्स को इस योग्य बनाया जाए कि वो जो भी सुने उसको समझें, मतलब समझ के साथ सुने। दूसरा है कि वो बोलें तो जब भी बोलें वो प्रभावी ढंग से बोले, प्रभावपूर्ण ढंग से बोले, इफेक्टिवली बोले, दोनों सिचुएशन में, फॉर्मल भी इनफॉर्मल। फॉर्मल मतलब जहाँ पर आप फॉर्मल टॉक कर रहे हैं, जहाँ पर स्कूल में टीचर्स के साथ बात कर रहे हैं, और इनफॉर्मल टॉक जब आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, दोनों जगह आपको प्रभावपूर्ण ढंग से बात करें। रीड विथ कॉम्प्रिहेंशन मतलब समझ के साथ पढ़ें, जो भी पढ़ें उसको समझें। और उसके बाद है एंजॉय वेरियस काइंड्स ऑफ रीडिंग मटेरियल्स, बहुत तरह के जो रीडिंग मटेरियल्स हैं उनको पढ़ें और समझें और उसको एंजॉय भी करें। फिर है राइट नीटली, सफाई से, अच्छे से लिखें, करीने से लिखें और लॉजिकल सीक्वेंस में लिखें, मतलब कि सीक्वेंस सही हो लिखने का। और क्रिएटिविटी हो मतलब रचनात्मक हो, बिल्कुल नई चीज़ें, यूज ग्रामर फंक्शनली इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट, ग्रामर का या व्याकरण का विभिन्न संदर्भ में, विभिन्न कॉन्टेक्स्ट में सही ढंग से प्रयोग करें। तो एज ए टीचर हमें क्या करना है? वी शुड हेल्प आवर चिल्ड्रन, यहाँ वी कर देते हैं, वी शुड हेल्प आवर चिल्ड्रन टू डेवलप द बेसिक लैंग्वेज स्किल। बेसिक लैंग्वेज स्किल क्या हो गया? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये आपको एकदम रट जानना है, ये बेसिक लैंग्वेज स्किल आपको हमेशा काम आएगा ये पूरे यूनिट में। तो मेन ऑब्जेक्टिव जो है लैंग्वेज टीचिंग का वो क्या है कि ये जो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग है इसको का डेवलप करना, इसको इस तरह से विकसित करना, इस तरह से इस स्किल को विकसित, इस कौशल को विकसित करना कि वो प्रभावी, जो भी बोलें, पढ़ें, बातचीत करें वो इफेक्टिव हो, संचार जो उनका हो, बातचीत, कम्युनिकेशन जो हो वो इफेक्टिव हो। हालांकि हमने लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग के बारे में तो ये कहा कि ये सब अलग अलग स्किल हैं, लेकिन वास्तव में क्या है, ये सारे स्किल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इंटरलिंक्ड हैं, आपस में रिलेटेड हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर लिसनिंग एंड रीडिंग इंटरलिंक्ड है तो रीडिंग और राइटिंग भी इंटरलिंक्ड है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग और रीडिंग और राइटिंग।
ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हैं। जब हम बोलते हैं तो हम सुनते भी हैं, और जब हम लिखते हैं तो हम पढ़ते हैं। जब आप बोलेंगे तो सुनाई भी पड़ेगा आपको, और जब आप लिखेंगे तो जो भी आप लिखते हैं उसको आप पढ़ते हैं। जब आप जोर से पढ़ते हैं तो आप बोलते हैं, जब आप रीडिंग लगा रहे होते हैं तो आप बोलते हैं। तो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि नहीं? जैसे देखिए, आप बोल रहे हैं तो आपको भी तो सुनाई पड़ रहा है जो आप बोल रहे हैं। जब आप लिख रहे हैं तो आप जो लिख रहे हैं वो खुद भी पढ़ रहे हैं, तो राइटिंग एंड रीडिंग चल रहा है। जब आप रीड कर रहे हैं जोर जोर से तो आप बोल भी रहे हैं, स्पीकिंग साथ साथ चल रहा है जब आप जोर से पढ़ रहे हैं। तो ये सारे किस तरह से जुड़े हैं इंटरेस्टिंग रूप से। तो क्लासरूम में जो लैंग्वेज होता है वो क्या होता है, वो लैंग्वेज कक्षा में जो भी आप सीखते हैं, जो भी लर्निंग होती है, वो भाषा के थ्रू होता है, लैंग्वेज के थ्रू होता है। टीचर क्या करते हैं, लेक्चर देते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं और डिस्कशंस को शुरू करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, रीडिंग को बच्चों से रीडिंग करवाते हैं, राइटिंग टास्क देते हैं। तो ये स्टूडेंट क्या होता है, ये सारी एकेडमिक टास्क में जुड़ जाते हैं। और कैसे जुड़ते हैं, तो उनको पढ़ना पड़ता है रीडिंग के थ्रू, राइटिंग के थ्रू, फिर एक्सप्लोर करते हैं इंटरनेट को, फिर वर्बल आंसर्स टीचर को देते हैं, टीचर क्वेश्चन पूछता है वो जवाब देते हैं, सुनते हैं टीचर जो पढ़ाते हैं उसको, फिर स्टूडेंट्स प्रेजेंटेशंस देते हैं, पूरा क्लास कभी कभी पार्टिसिपेट करता है, फिर आपस में ग्रुप डिस्कशन होता है छात्रों के बीच, फिर जो आप लिखते हैं उसको याद करते हैं, फिर आपके शब्दावली शब्द कोश बढ़ते हैं। इस तरह से चलता रहता है क्लासरूम का कार्य। तो जब 1970 का डिकेड्स में क्या होता था क्लासरूम में, रिसर्च किया गया तो किस चीज़ पर फोकस किया गया कि किस तरह का लैंग्वेज प्रैक्टिस होना चाहिए क्लासरूम की टीचिंग में, सीख लर्निंग को फैसिलिटेट करने के लिए किस तरह का लैंग्वेज प्रैक्टिस क्लासरूम में होना चाहिए। तो जब चाइल्ड स्कूल में पहली बार आता है तो वो क्या होता है कि वो अपने एनवायरनमेंट से परिचित होता है, फिर अपने क्लासमेट से परिचित होता है। तो कैसे परिचित होता है, लैंग्वेज के थ्रू। क्लास में आते ही लैंग्वेज से के जरिए वो स्टूडेंट से, टीचर से, सबसे अपने क्लासमेट से परिचित होता है। पहले वो अपनी मातृभाषा का प्रयोग करता है, मदर टंग का यूज करता है, उसके बाद फिर वो जो स्कूल का स्टैंडर्ड लैंग्वेज होता है उसको यूज करना शुरू करता है। तो जब वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज, जो मानक भाषा है जो स्कूल में बोली जाती है, या इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो वहाँ स्टैंडर्ड लैंग्वेज इंग्लिश होगा, हिंदी मीडियम स्कूल है तो वहाँ हिंदी, बांग्ला मीडियम स्कूल है तो वहाँ का स्टैंडर्ड लैंग्वेज बांग्ला होगा। तो क्या है कि जब स्टैंडर्ड लैंग्वेज का स्किल वो यूज करता है तो उसके लिए उसको प्रैक्टिस करना होता है, और डेडिकेशन मतलब समर्पण के साथ, ध्यान के साथ उसको प्रैक्टिस करना होता है, सीखना होता है। इंडिया में बहुत तरह की भाषा बोली जाती है, मल्टीलिंगुअल नेशन है, इसलिए यहाँ लैंग्वेज टीचिंग और लर्निंग एक कला है। यहाँ पर बहुत कुशलता से इसका प्रयोग करना होता है। अगर इसको सारे लोग अच्छे से कुशलतापूर्वक नहीं उपयोग करते हैं तो कर पाते हैं, इसलिए इसकी क्या ज़रूरत पड़ती है, इसको अच्छे से यूज करने के लिए, कुशलतापूर्वक यूज करने के लिए कंटिन्यूस प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है, लैंग्वेज को लर्न करने के लिए और इफेक्टिव सेंटेंसेस बनाने के लिए भी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो लैंग्वेज स्किल जो है वो उसके लिए बहुत शब्दों का भंडार जरूरी होता है, वोकैबुलरी, लार्ज वोकैबुलरी की आवश्यकता होती है, ताकि आप जब बात कर रहे हैं तो आप सही वर्ड्स का यूज कर सकें, वर्ड्स का प्रोनंसिएशन उच्चारण सही कर सकें, जो कि लैंग्वेज से आप सीखते हैं, भाषा से सीखकर बातचीत के दौरान आप प्रभावी शब्दों का प्रयोग करें। और भाषा कौशल के लिए क्या होता है कि बहुत शब्दावली की जरूरत होती है। तो कैसे भाषा के माध्यम से ही भाषा ही उच्चारण भी सीखना होता है। तो इसके लिए क्या क्या जरूरी है, लर्निंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग, लर्निंग LSRW। क्लासरूम में रूटीन लैंग्वेज यूज होता है, नियमित जो भाषा चलती है उसका प्रयोग होता है। तो क्लासरूम में जो कम्युनिकेशन होता है तो उसमें दो तरह का एक्सचेंज होता है, गिविंग एंड रिसीविंग। टीचर गिविंग साइड में होते हैं ज़्यादातर, टीचर पढ़ाते हैं, बच्चे सुनते हैं, और बच्चे रिसीविंग एंड पे होते हैं, गिविंग एंड पे टीचर होते हैं। तो
जब स्पीकिंग और राइटिंग होता है, जब बोला जाता है और लिखा जाता है, तब इसमें इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, और रीडिंग और लिसनिंग जब होता है तो रिसीविंग होता है इंफॉर्मेशन का। तो लिसनिंग क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल है जो कि दूसरे स्किल को फैसिलिटेट करता है, सुगम बनाता है। और अदर स्किल में रिसीविंग साउंड्स ऑफ लैंग्वेज, लिसन करने से आप साउंड लैंग्वेज का साउंड रिसीव कर रहे हैं, साउंड को फिर वर्ड्स में प्रोसेस करते हैं, साउंड सुनकर वर्ड बन रहा है और फिर आपका कॉन्सेप्ट का फॉर्मेशन होता है। तो लैंग्वेज किस तरह से सीखा जाता है, तो लिसनिंग से, सुनकर भाषा सीखी जाती है। तो पहले क्या होता है कि जब आप उच्चारण करते हैं तो बहुत डिफिकल्टी होती है, प्रोनंसिएशन में आपको दिक्कत होती है, ये गलत हो सकता है, लेकिन बच्चे का, क्योंकि जब बच्चा छोटा जब होता है ना तो प्रोनंसिएशन वो सही से नहीं करता, उतला कर बोलता है, कैसे बोलता है, आप देखते हैं बच्चे का डेवलपमेंट कैसे कैसे होता है, तब वो सही से बोलना शुरू होता है, क्योंकि उसके जो वोकल पार्ट्स होते हैं ना वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होते, विकसित नहीं होते। धीरे धीरे जब वो टीचर की हेल्प से बोलना सीखता है, ओरल टेस्ट होता है, तब वो बच्चा भाषा का सही रूप से बोलना सीख जाता है। लैंग्वेज इज लर्न थ्रू सोसाइटी एंड ग्रुप, मनुष्य सामाजिक प्राणी है। स्कूल में बच्चा अपने दोस्तों से सीखता है, टीचर से सीखता है, वो अपने को इस तरह से समृद्ध बनाता है, नए शब्दों से समृद्ध बनाता है, और वो विनम्र और सही भाषा, कर्टियस लैंग्वेज यूज करता है और सही लैंग्वेज का प्रयोग करता है क्लासरूम में। लर्निंग लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज एक भाषा सीखना एक आदत का निर्माण करना है। पैमर हैरोल्ड का कहना है कि लर्निंग लैंग्वेज इज ए प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग हैबिट, भाषा सीखना एक आदत बनाने की प्रक्रिया है। लैंग्वेज कैसे लर्न होता है, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस से लर्निंग लैंग्वेज को आदमी लर्न कर सकता है। जितना ज़्यादा सुनने का प्रैक्टिस होगा, रीडिंग और राइटिंग होगा क्लासरूम में, उतना ही ज़्यादा भाषा का अधिग्रहण होगा, भाषा का अभ्यास होगा, लैंग्वेज एक्विजिशन होगा। जितना ज़्यादा सुनेंगे, जितना लिखेंगे, जितना पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा भाषा समृद्ध होगी, आपको सीखेंगे। तो अर्ली स्टेज में बच्चे जो हैं वो गलतियां करते हैं, तो टीचर को वहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है। शुरू से ही भाषा, बच्चों की भाषा पर शिक्षक को ध्यान देना होता है। लर्निंग लैंग्वेज डिपेंड्स ऑन इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड, बच्चे की रुचि पर भाषा सीखना निर्भर करता है। हर्बर्ट का कहना है कि बच्चे के मतलब जो इंटरेस्ट को, टीचर को हमेशा ध्यान में रखना है। अगर बच्चा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है तो फोर्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि फोर्स करने से बच्चे का विकास रुक जाता है। इसलिए शिक्षकों को क्या चाहिए कि बच्चों को भाषा सीखने में इंटरेस्ट या रुचि पैदा करना चाहिए, और ताकि वह भाषा को पढ़ना, लिखना और बोलना सीख सके। इसलिए बच्चों पर थोपना नहीं चाहिए। लर्निंग लैंग्वेज के लिए, लैंग्वेज सीखने के लिए LSRW कैपेसिटी को डेवलप करना है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। लैंग्वेज स्किल में चारों स्किल बहुत जरूरी है। इलिटरेट लोग जो होते हैं वो दो स्किल होता है उनमें, एक लिसनिंग का और दूसरा स्पीकिंग का। लेकिन लैंग्वेज स्किल केवल इसी दो चीज़ पर निर्भर नहीं करता है कि सुनना और बोलना आ गया तो आप में लैंग्वेज स्किल आ गया, ऐसी बात नहीं है। ये दो स्किल बल्कि क्या है, इसमें चारों स्किल होना चाहिए, तभी आपका लैंग्वेज लर्निंग होगा सही तरीके से। केवल बोलने और सुनने से लैंग्वेज का स्किल डेवलप नहीं होता है। अब क्लास से बाहर लैंग्वेज कैसे सीखता है, तो चूँकि बच्चा क्लास में कम टाइम स्पेंड करता है तो क्लास में वो रिफाइंड लैंग्वेज यूज करता है, क्योंकि कम समय के लिए रहना है। लेकिन जब वो घर जाता है तो वो अपनी मदर टंग का यूज करता है, मातृभाषा का प्रयोग करता है। और वो क्या होता है कि दो तरह का जब लैंग्वेज उसको प्रयोग करना होता है तो उसको डिफ़िकल्टी होती है, स्कूल में रिफाइंड लैंग्वेज, घर में मातृभाषा, तो वहाँ पर उसको दिक्कत होती है। क्योंकि भाषा सोशल एक्सप्रेशन का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, इसलिए ये सांस्कृतिक, साहित्यिक और हिस्टोरिकल जो भी परंपरा है उसको एक ट्रांसमिट करता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक। एक तो इसलिए बहुत सारे सोशल कंपोनेंट हैं जो भाषा
सीखने की प्रक्रिया को में मदद करते हैं। तो ये कौन कौन से कंपोनेंट हैं, सोशल फैक्टर्स हैं जो लैंग्वेज लर्निंग के प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं या प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं? तो उसमें हम देखें, पहला है बच्चा क्या है कि पहले वो समाज, बहुत सारे समुदाय और सोशल इंस्टीट्यूशंस के कांटेक्ट में आता है और अपने भाषा के ज्ञान को बढ़ाता है। जितने लोगों के कांटेक्ट में आएगा उतनी तरह की चीज़ें सीखता है वो। तो ऑल दिस कनेक्शंस, जो भी जितने संबंध हैं, वो बच्चे की लर्निंग को प्रत्यक्ष, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। तो लर्निंग दूसरी भाषा की जो लर्निंग है वो क्या होता है कि वो औपचारिक आवश्यकता से नियंत्रित होती है। कि दूसरी भाषा आप इंग्लिश जो सीख रहे हैं या दूसरी भाषा आप जाके पंजाब में हैं और जाते हैं वहाँ पढ़ने, तो पंजाबी सीखनी पड़ती है, तो वो क्या है, वो आप आवश्यकतावश सीख रहे हैं, औपचारिक आवश्यकता से सीख रहे हैं, तो वो मदर टंग की तरह सिंपल नहीं होता। इसलिए कहा जाता है कि मातृभाषा में जो शिक्षा दी जाती है वो ज़्यादा ग्राह्य होती है, बच्चे ज़्यादा ग्रहण करते हैं। तो चाइल्ड लर्न्स लैंग्वेज आउटसाइड द क्लासरूम, बच्चे बाहर सीखते हैं। ऐसे कहाँ से सीखते हैं? कुछ ऐसी एजेंसियों से, एजेंसी जो कि फॉर्मल और जो कि एक्टिव एजेंसी और पैसिव एजेंसी होता है। तो एक्टिव में क्या क्या आ गया? तो एक्टिव एजेंसी में फैमिली से सीखते हैं भाषा, कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी में रहते हैं वहाँ सीखते हैं, उन लोगों से सीखते हैं, वोकेशंस, जिस प्रोफेशन में वो काम करते हैं वहाँ सीखते हैं, कल्चरल और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस से सीखते हैं, संस्थाओं से, सांस्कृतिक और धार्मिक संस्थाओं से सीखते हैं, और स्पोर्ट्स ग्रुप से सीखते हैं। तो ये एक्टिव एजेंसीज हैं जो कि भाषा सीखने में प्रभाव डालते हैं। कुछ पैसिव एजेंसीज हैं जो सामने से तो नहीं होती हैं लेकिन मनुष्य को प्रभावित करती हैं, जैसे रेडियो, टीवी, ये सब लैंग्वेज लर्निंग में प्रभावित करते हैं। आप देखेंगे कि आजकल के बच्चे कार्टून देख देख कर, छोटे छोटे बच्चे बहुत शुद्ध हिंदी बोलते हैं, मैं करके बोलना शुरू करते हैं, जबकि घर में लोग वैसे नहीं बात करते हैं, फिर भी बच्चे सीख जाते हैं। मूवीज, सोशल मीडिया, ये सब भी प्रभावित करते हैं। तो पैसिव फैक्टर हैं जो कि आपको, आप उनसे जुड़े होते हैं इसलिए आपको वो प्रभावित कर, वो आपको टीच नहीं करते हैं, आपको आकर नहीं बताते, बट आप जब भी उन एजेंसीज के जरिए आप सीख जाते हैं। अब सबसे पहले है फैमिली। फैमिली से बच्चा सबसे पहले सीखता है। तो फैमिली मातृभाषा का बेसिस, आधार है, और ये दूसरी भाषा को भी सपोर्ट करता है, सीखने में मदद करता है। तो अगर दूसरी भाषा को सीखने का अपॉर्चुनिटी है फैमिली में, तो वो भाषा बच्चा आसानी से सीख सकता है। यहाँ पर दो भाषा बोलने वाले पेरेंट्स होते हैं, जैसे बांग्ला और हिंदी दोनों बोल रहे हैं, तो बच्चा दोनों भाषा को आसानी से सीख लेता है। तो बच्चों में दो भाषा की क्षमता का विकास हो जाता है। तो फैमिली जो है वो साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड तैयार करता है लैंग्वेज सीखने का। दूसरा है नेबरिंग कम्युनिटी, जो आसपास का समुदाय है, पड़ोसी समुदाय है, उसका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, महत्व होता है बच्चों के लैंग्वेज स्किल के डेवलपमेंट में। बहुत सारे सोशल कॉन्टेक्स्ट में बच्चे फॉर्मल और इनफॉर्मल लैंग्वेज के प्रोग्राम्स होते हैं, या मतलब बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे होते हैं जिसमें कि बच्चों के नॉलेज, स्किल और लैंग्वेज को डेवलप करने में मदद करते हैं। जैसे हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट्स, अगर वो किसी भी चीज़ के ट्रेनिंग के लिए या बांग्ला स्पीकिंग स्टेट्स में जाते हैं या तमिल स्पीकिंग स्टेट्स में हो जाते हैं या वैसी कम्युनिटी में जाते हैं जहाँ उनका बार बार आना जाना होता है आसपास में, मगर अगर हिंदी स्पीकिंग चाइल्ड है और पूरा कॉलोनी या पूरा फ्लैट में बांग्ला भाषी लोग हैं तो वो बांग्ला सीख जाता है, या फिर उड़िया बोलने वाले लोग हैं तो वो उड़िया सीख जाता है। तो इस तरह से नेबरिंग कम्युनिटी उसको दूसरे लैंग्वेज को सीखने में मदद करते हैं। फिर
फिर कल्चरल एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, जो सांस्कृतिक और धार्मिक संस्थान होते हैं, वो दूसरे लैंग्वेज के डेवलपमेंट में मदद करते हैं थ्रू कल्चरल प्रोग्राम्स। आप देखते हैं कि कल्चरल प्रोग्राम्स जब होता है तो बहुत ही फोक डांस और फोक म्यूजिक के प्रोग्राम्स होते हैं, तो जो बच्चे उसको सीख जाते हैं आसानी से, उन गानों को गाने लगते हैं, उन गानों पे डांस करने लगते हैं। तो ये नृत्य गीत के माध्यम से बच्चे जो हैं कल्चरल प्रोग्राम्स में दूसरे स्टेट्स के या दूसरे कंट्री के लैंग्वेज वाले गाना को सीख लेते हैं और उसको उसमें वो कंफर्टेबल फील करने लगते हैं। फिर है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स जो है वो बहुत लेवल पे ऑर्गेनाइज होता है, नेशनल, स्टेट, इंटरनेशनल सब लेवल पे होता है। क्रिकेट का मैच होता है तो अलग अलग कंट्रीज में होता है, तो जब लोग जाते हैं वहाँ खेलने तो वहाँ भी उस कंट्री के भाषा से वो एक्वेंटेड होते हैं और सीखने में उन्हें भाषा सीखने में मदद होती है, क्योंकि वो उनके जो बहुभाषी अलग अलग लैंग्वेज वाले जो उनके पार्टनर्स होते हैं या जो जिनके साथ उनका मैच होता है या गेम्स होता है उनके साथ इंटरेक्शन करते हैं, तो वो वहाँ की लैंग्वेज में से भी एक्वेंटेड होते हैं। फिर टूर एंड ट्रैवल। बच्चे जब होते हैं, बच्चे या बड़े जब भी वो हिस्टोरिकल या इम्पॉर्टेंट प्लेसेस पे जाते हैं तो वो वहाँ पर जाकर वहाँ लैंग्वेज भी सीखते हैं या वहाँ की जानकारी हासिल करते हैं, वहाँ के लोगों से मिलते हैं, तो वो वहाँ की भाषा से अवगत होते हैं और अपनी भाषा को विकसित करने का टाइम उनको अवसर मिलता है और वो लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ और बहुत जगहों पर जाना, यात्रा करना बच्चों के भाषा स्किल को, लैंग्वेज स्किल को डेवलप करता है। इसलिए पेरेंट्स और टीचर को चाहिए कि बच्चों को ऐसे अवसर ज़्यादा प्रदान करें सो दैट बच्चों में लैंग्वेज स्किल डेवलप हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।